नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लेट पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग भी सीटी 12th लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए। जी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप लोग भी सीटी 10 प्लस 2 लेवल के लिए हम राजस्थान जी की क्लास लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर सीटी के लिए हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी और प्लस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी दोस्तों। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जी दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेना, क्योंकि उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जारी एकमात्र मासिक पत्रिका है, मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जारी एकमात्र मासिक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर एक है चित्रमती, ऑप्शन नंबर दो है मधुमती, ऑप्शन नंबर तीन है रूपमती, ऑप्शन नंबर चार है हंसमती। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो मधुमती, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जारी एकमात्र मासिक पत्रिका कौन सी है, मधुमती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माडा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि माडा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर एक है रोजगार प्रसार, ऑप्शन नंबर दो है जनजाति विकास, ऑप्शन नंबर तीन है निर्यात संवर्धन, ऑप्शन नंबर चार है स्वरोजगार प्रशिक्षण। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो जनजाति विकास, ठीक है। कि माड्डा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, हाँ जनजाति विकास है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। माड्डा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनजाति का विकास करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि व्हाइट मेटल खिलौने हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट मेटल खिलौने हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर, ऑप्शन नंबर दो है धौलपुर, ऑप्शन नंबर तीन है उदयपुर, ऑप्शन नंबर चार है जयपुर। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट चेक ऑप्शन नंबर तीन उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट जाएगा कि व्हाइट मेटल खिलौने तो कौन सा ज़्यादा प्रसिद्ध है, उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला एक राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तानी जिले कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है बावलपुर, ऑप्शन नंबर दो है खैरपुर, ऑप्शन नंबर तीन है मीरपुर, ऑप्शन चार है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी, ठीक है। कि बावलपुर भी है, खैरपुर भी है और मीरपुर भी है, ठीक है। राजस्थान की सीमा के साथ ये पाकिस्तान जिले जो लगते हैं, राजस्थान की सीमा लगती है इनके साथ, ठीक है। कौन कौन से हैं, बावलपुर, खैरपुर और मीरपुर, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, हाँ चार जिले लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला ही हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में है, मोस्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक उदयपुर, ऑप्शन नंबर दो सीकर, ऑप्शन नंबर तीन है जालौर, ऑप्शन नंबर चार है सिरोही। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर दो सीकर, ठीक है। कि हर्ष की पहाड़ी किस जिले के अंदर है, हाँ सीकर जिले के अंदर है। अगला है कि बापरण किस जिले में है, कि बापरण किस जिले में। तो ऑप्शन नंबर एक है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर दो जोधपुर, ऑप्शन नंबर तीन है जैसलमेर, ऑप्शन चार है जोधपुर। तो दोस्तों, आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर दो जोधपुर, ठीक है। कि बापरण किस जिले में है, जोधपुर के अंदर है। अगला है कि राज्य में किस नदी द्वारा अवलिका अपरदन सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर एक चंबल, ठीक है। कि राज्य में किस नदी द्वारा अवलिका अपरदन सबसे अधिक होता है, तो चंबल, ठीक है। अगला है कि गंभीरी नदी चित्तौड़ में प्रवाहित होने वाली किस में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर एक है कोठारी, ऑप्शन नंबर दो है पश्चिमी बिलास, ऑप्शन नंबर तीन है बेड़स, ऑप्शन नंबर चार है बाणगंगा। दोस्तों, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर तीन बेड़स, ठीक है। अगला आपका है कि चुल्लीदेह परियोजना किस जिले में स्थित है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। चुल्लीदेह परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर, ऑप्शन नंबर दो है बारा, ऑप्शन नंबर तीन है करौली, ऑप्शन नंबर चार है बूंदी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन करौली, ठीक है। कि चुल्लीदेह परियोजना किस जिले में है, करौली के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर दो है चूरू, ऑप्शन नंबर तीन है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर चार है बीकानेर। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर तीन जैसलमेर, ठीक है। कि राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका है कि कर्नल टोड द्वारा राजस्थान में अकाल को क्या नाम दिया गया था, मोस्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान में अकाल को क्या नाम दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर एक है अनिश्चित रोग, ऑप्शन नंबर दो है प्राकृतिक रोग, ऑप्शन नंबर तीन है त्रिकाल, ऑप्शन नंबर चार है कोरिया। दोस्तों, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर दो प्राकृतिक रोग, ठीक है। कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान में अकाल को क्या नाम दिया गया था, प्राकृतिक रोग नाम दिया गया था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को रख लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से।
कर्नल टोड के द्वारा राजस्थान में काल को क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक रोग दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी स्थित है, कि कादरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 का बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 है बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कादरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2-3 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है सज्जनगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 2 है फुलवारी किनाल अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 3 है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 4 है जैसलमंद वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फुलवारी की नाल अभयारण्य। ठीक है, अगला है कि लाठी शरीर क्षेत्र स्थित है, ये मोस्ट क्वेश्चन, लाठी शरीर क्षेत्र स्थित है, लाठी शरीर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा आपका? हाँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर। जैसलमेर लाठी शरीर क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि खेजड़ी की पत्तियों को चारे के स्थानीय भाषा में कहते हैं, कि खेजड़ी के पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन, जो खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं उनके जो चारा होता है उनको स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 है सेवन, ऑप्शन नंबर 2 है लूम, ऑप्शन नंबर 3 है जानटी, ऑप्शन नंबर 4 है समी। तो दोस्तों तो इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हाँ, इसको आप क्या कहेंगे? आपको आना चाहिए ये लूम। ठीक है, खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती है उन चारों को क्या कहते हैं? हाँ, आपका कहाँ मान लूंगे? हाँ, लूम। ठीक है, अगला कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 है जोड़बीड़, ऑप्शन नंबर 2 है अविकानगर, ऑप्शन नंबर 3 है विजयनगर, ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभ नगर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अविकानगर। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अविकानगर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल दूध के लिए ज़्यादा अनुकूल है? मोस्ट क्वेश्चन, एनिमल में से कौन सी बकरी की एक नस्ल है जो दूध के लिए ज्यादा अनुकूलन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जखराना, ऑप्शन नंबर 2 है बरबरी, ऑप्शन नंबर 3 है लोही, ऑप्शन नंबर 4 है मारवाड़ी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट से ऑप्शन नंबर 1 जखराना, जखराना। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है जो दूध के लिए ज्यादा अनुकूलन है? जखराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि कहाँ ऊँट का सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, कि कहाँ का ऊँट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नाचना का, ऑप्शन नंबर 2 है जालोर का, ऑप्शन नंबर 3 है मेवाड़ी ऊँट, ऑप्शन नंबर 4 है अजमेरी ऊँट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, नाचना का, कि कहाँ का ऊँट सवारी के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, सवारी की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों नाचना का ऊँट सवारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में विशाल रूप से पाया जाने वाला अजैवलित ईंधन खनिज है, मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विशाल रूप से पाए जाने वाला अजैवलित ईंधन खनिज है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 3 है रॉक फास्फेट, ऑप्शन नंबर 4 है अभ्रक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जगह? इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 4, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, कि राजस्थान में विशाल रूप से पाए जाने वाला अजैवलित ईंधन कौन सा है? अभ्रक है। ठीक है, अगला कि राजस्थान में सर्वप्रथम पन्ने के भंडार कहाँ मिले? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पन्ने के भंडार कहाँ पे मिले? तो ऑप्शन नंबर 1 है कामली घाट, ऑप्शन नंबर 2 है काला गुमान, ऑप्शन नंबर 3 है टिक्की, ऑप्शन नंबर 4 है थुन्ना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जगह? इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, काला गुमान। ठीक है, काला गुमान के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम पन्ने के भंडार कहाँ पर मिले? काला गुमान के अंदर मिले, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका राज्य में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है मंगलम सीमेंट मोडक, ऑप्शन नंबर 2 है श्री सीमेंट ब्यावर, ऑप्शन नंबर 3 है श्री राम सीमेंट श्री रामनगर, तो ऑप्शन नंबर 4 एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाकेरी बूंदी के अंदर। दोस्तों इसमें आपका रेड कौन सा जगह? इसमें आपका रेड ऑप्शन नंबर 4, हाँ एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी के अंदर राज्य में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया, लाखेरी बूंदी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका 2011 की आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 66.1%, ऑप्शन नंबर 2 है 65.5%, ऑप्शन नंबर 3 है 64.3%, ऑप्शन नंबर 4 है 52.1%। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा? इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
66.1%। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता का कितना प्रतिशत है, दर कितनी है उनकी? हाँ, 66.1% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मेन बात बता देते हैं, क्या आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया तो वह टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी गई है आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF भी मिल जाएगी, हाँ इसकी पूरी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप कर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके अब बहुत कम दिन है। जी हाँ दोस्तों, आप जब मान कर चलिए आपके 10 दिन है आपके बस परीक्षा के लिए, 4 और 5 फरवरी को आपकी एग्जाम होनी है, तो स्टडी अलर्ट आपके साथ है, महामैराथन क्लास लेकर आएगा स्टडी अलर्ट आपके साथ, रात्रि जुगा क्लास लेकर आएगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, राजस्थान में प्रथम वन पवन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? भी मोस्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम पवन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका रेट कौन सा रहेगा? इसमें आपका रेट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। ठीक है, कि राजस्थान में प्रथम पवन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई थी? जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला, कि मांगरोल विद्युत परियोजना संबंधित है, कि मांगरोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 है राजमंद से, ऑप्शन नंबर 3 है दौसा से, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़ से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी। ठीक है, मांगरोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? वाराणसी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है? अगला प्रश्न आपका, एक राज्य में सतही जल से सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्जित की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है पांचवी, ऑप्शन नंबर 2 है चौथी, ऑप्शन नंबर 3 है तीसरी, ऑप्शन नंबर 4 है पहली। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 पांचवी। ठीक है, कि राज्य में सतही जल से सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस पंचवर्षीय योजना के तहत अर्जित की गई? दोस्तों पांचवी योजना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि तिजो कुरियो आठवो काल में कुरियो शब्द से तात्पर्य क्या है? कि आप कहा ना अपनी भाषा में क्या तिजो कुरियो आठवें काल में कुरियो शब्द क्यों है? ठीक है, क्या मतलब है इनको? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्धकाल, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्ण काल, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिकाल, ऑप्शन नंबर 4 है तीन काल। तो दोस्तों इसमें आपका रेड कौन सा जगह? इसमें आपका रेड ऑप्शन नंबर 1 अर्धकाल। ठीक है, कि तीजो कुरियो आठवो काल है संबंध किन को है? हाँ, अर्धकाल को है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निर्मल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है, मोस्ट क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्राम में चहुंओर स्वच्छ वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 हर घर में 100% स्वच्छता, ऑप्शन नंबर 3 है सकुल तथा आंगनबाड़ी में 100% स्वच्छता, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जगह? इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? हर गाँव में चारों ओर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, और हर घर में 100% स्वच्छता होनी चाहिए, और स्कूल तथा आंगनबाड़ी में 100% स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि 20वीं सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि 20वीं सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज का सर्वांगीण विकास, तो वहीं ऑप्शन नंबर 2 है अजा अनजा के लोगों का विकास, ऑप्शन नंबर 3 है गरीब रेखा के नीचे लोगों का विकास, ऑप्शन 4 है महिलाओं का विकास। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 समाज का सर्वांगीण विकास। ठीक है, कि 20वीं सूत्री विभाजन का 20वीं सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समाज का सर्वांगीण विकास है। ठीक है, अगला कि पर्यटन स्थल जैत सागर, फूल सागर एवं नवल सागर किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल जैत सागर, फूल सागर और नवल सागर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, ऑप्शन नंबर 2 है बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 है बारा, ऑप्शन 4 है दौसा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। ठीक है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, अगला कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है सीकर, ऑप्शन नंबर 4 है चूरू। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा? इसमें आपका राइट रहेगा, हाँ इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीगंगानगर। गुरुद्वारा बुड्ढा रोड कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये मोस्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है सोई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है राम सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है सोई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है मिर्जा राजा सिंह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सोई प्रताप सिंह। ठीक है, कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हाँ, सोई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। अगला, चांदी की गोले दागने वाला ध्रुव कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन है,
कि चांदी की गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन डी कतरागढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर दो है चूरू दुर्ग, ऑप्शन नंबर तीन है भटनिया दुर्ग, ऑप्शन नंबर चार है लोहागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो चूरू दुर्ग। ठीक है, चूरू के अंदर चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, चूरू दुर्ग है। ठीक है, चूरू जिले के अंदर ही चांदी के गोले दागे गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन। लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक है सोनार का दुर्ग, ऑप्शन नंबर दो है जूनागढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर तीन है चित्तौड़ का दुर्ग, ऑप्शन चार है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर चार कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, कि लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि एनाल्स एंड एंटीक्विज ऑफ राजस्थान किसकी करती है, मोस्ट क्वेश्चन। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है जॉर्ज थॉम्स, ऑप्शन नंबर दो है जेम्स स्टील मिल, ऑप्शन नंबर तीन है जॉन स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर चार है जेम्स टोड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर चार जेम्स टोड। ठीक है, कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी करती है, जेम्स टोड की है, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि दुस्वती नदी एवं सरस्वती नदी के भूभाग को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक है ब्रह्मावर्त, ऑप्शन नंबर दो है आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर तीन है विराटनगर, ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट चेक ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मावर्त। ठीक है, दुस्वती नदी एवं सरस्वती नदी के भूभाग को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट क्वेश्चन है। कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन नंबर एक है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर दो है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर तीन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर चार है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, हाँ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह काल में जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, कि 1857 की विद्रोह काल में जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर एक है कोटा एवं नसीराबाद, ऑप्शन नंबर दो है आउवा एवं कोटा, ऑप्शन नंबर तीन है उदयपुर एवं आउवा, तो ऑप्शन नंबर चार है जयपुर एवं अजमेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो आउवा एवं कोटा, आउवा एवं कोटा। 1857 के विद्रोह काल में जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे, आउवा एवं कोटा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट हो जाएगा। अगला, एक निम्न में से राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख केंद्र है, कि राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है कुंडा, ऑप्शन नंबर दो है भीनमाल, ऑप्शन नंबर तीन है नैनो, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें आपका राइट से उपयुक्त सभी। ठीक है, राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, कुंडा भीनमाल एवं नैनवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि तहकीक एवं हिंद किस मुस्लिम इतिहासकार की पुस्तक है, मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक है बंदायूनी, ऑप्शन नंबर दो है अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर तीन है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपका राइट से ऑप्शन नंबर तीन अलबरूनी, अलबरूनी। ठीक है, तहकीक एवं हिंद किस मुस्लिम इतिहासकार की पुस्तक है, अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि गिंगोली के युद्ध से किस राजकुमारी का संबंध है, मोस्ट क्वेश्चन है। कि गिंगोली के युद्ध से किस राजकुमारी का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है कृष्णा कुमारी, ऑप्शन नंबर दो है मानमती, ऑप्शन नंबर तीन है कर्मावती, ऑप्शन नंबर चार है रमाबाई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर एक कृष्णा कुमारी। ठीक है, गिंगोली के युद्ध से किस राजकुमारी का संबंध है, कृष्णा कुमारी का, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। अगला कि फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा किसे कहा है, मोस्ट क्वेश्चन है। कि फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा किसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर एक है शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर दो है शहजहां अकबर, ऑप्शन नंबर तीन राव मालदेव, ऑप्शन नंबर चार वीर दुर्गादास। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट चाहिए ऑप्शन नंबर तीन राव मालदेव। ठीक है, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा किसे कहा है, राव मालदेव को। ठीक है, हशमत वाला राजा किसे कहते हैं, राव मालदेव को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट हो जाएगा। अगला कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, मोस्ट क्वेश्चन है। कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर एक है भीम सिंह, ऑप्शन नंबर दो है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर तीन है रतिपाल, ऑप्शन नंबर चार है अमीर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर चार अमीर। ठीक है, कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, अमीर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट हो जाएगा। अगला कि मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग बन गया है, मोस्ट क्वेश्चन है। मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है राजपूत, ऑप्शन नंबर दो है बंजारा, ऑप्शन नंबर तीन है मीणा, ऑप्शन नंबर चार है दरोगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन मीणा। ठीक है,
कि मोरनी मांडना किस जाति की परंपरा का बन गया है, मीणा जाति का, ठीक है। मोरनी मांडना किस जाति का है, मीणा का। अगला कि सांझ जी को क्या मानकर उसकी पूजा की जाती है, मोस्ट क्वेश्चन है, सांझ जी को क्या मानकर उसकी पूजा की जाती है दोस्तों, ऑप्शन डी का सीता माता, ऑप्शन नंबर दो राधे राधा रानी, ऑप्शन नंबर तीन लक्ष्मी जी, ऑप्शन चार पार्वती माता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार पार्वती माता, ठीक है। किसान जी को क्या मानकर उसकी पूजा की जाती है, पार्वती माता, ठीक है। अगला कि भंडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। अपन कहते हैं भंडार, भंडार किस मौके पर करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर एक मृत्यु के 13वें दिन पर, ऑप्शन चार पुत्र के जन्मोत्सव पर, ऑप्शन नंबर तीन सगाई के अवसर पर, ऑप्शन चार विवाह पर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर चार विवाह पर, विवाह पर भंडार करते हैं, ठीक है। अगला है कि तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक है हाथ में, ऑप्शन नंबर दो है गले में, ऑप्शन नंबर तीन है बाजुओं में, ऑप्शन नंबर चार है सिर पर। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो गले में, ठीक है। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले के अंदर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मारणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, मोस्ट क्वेश्चन नहीं, कि मारणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है। हाँ दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है संगीतराज, ऑप्शन नंबर दो है रसिकापीरी, ऑप्शन नंबर तीन है शुडपुरंड, ऑप्शन नंबर चार है प्रसाद मंडन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर चार प्रसाद मंडन, ठीक है। कौन सा नहीं है, मारणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ है प्रसाद मंडन, लेकिन ये मारणा कुंभ द्वारा रचित है, संगीतराज हो गया, रसिकापीरी हो गया और शुड प्रबंधन हो गया, ठीक है। ये मारणा कुंभ द्वारा रचित है लेकिन ये नहीं है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अपन को नहीं पूछा है ना, ऑप्शन चार इसका राइट हो जाएगा। अगला कि राज्य में होली और विवाह विवाहोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य बिंदोरी किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, मोस्ट क्वेश्चन है कि एक तो होली पर और एक विवाहोत्सव पर जो नृत्य किया जाता है बिंदोरी, वो किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है चालौर, ऑप्शन नंबर दो है झालावाड़, ऑप्शन नंबर तीन है सिरोही, ऑप्शन नंबर चार है नागौर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर दो झालावाड़, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कि पश्चिम गिटार में तार जोड़कर इसे मोहन वीणा का रूप किसे प्रदान किया, तो ऑप्शन नंबर एक है पंडित विष्णु दिगंबर पुलकर ने, ऑप्शन नंबर दो है पंडित विष्णु नारायण बावखेड़े ने, ऑप्शन नंबर तीन है पंडित रविशंकर ने, ऑप्शन नंबर चार है पंडित विश्वमोहन भट्ट ने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर चार पंडित विश्वमोहन भट्ट ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कौन सा है, अगला आपका है कि जागृति जोग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, मोस्ट क्वेश्चन जागृति जोग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर, ऑप्शन नंबर दो है जयपुर, ऑप्शन नंबर तीन है बीकानेर, ऑप्शन नंबर चार है जोधपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर तीन बीकानेर, कि जागृति जोग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बीकानेर से होता है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर सीटी के लिए 10+2 लेवल के लिए हर सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है आपको, और आपको महामैराथन क्लास भी मिलेगी आपको। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हाँ जो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको उस ग्रुप के अंदर PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों, बंदे स्टडी लड़के के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लड़के, धन्यवाद।